हमीरपुर के बास स्कूल परिसर में जिला स्तरीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा, एसडीएम चिरंजी राल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बास स्कूल परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने शिरकत की। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने नए मतदाताओं को मतदाता पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपायुक्त हमीरपुर ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ भी दिलाई। एसडीएम चिरंजी लाल एवं स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर मौजूद रही। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे ताकि सरकार में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि मतदान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा मतदान में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वोट की महत्व को समझना चाहिए। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में तो एक ही वोट से क्या फर्क पड़ता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि यार गांव में प्रधान का चुनाव हो रहा है, आप लोग मोबाइल पे फीडबैक देते रहते हैं कि क्या चला हुआ है, किसको वोट कितने जा रहे हैं, लेकिन तो वोट रह नहीं जाएगी। लास्ट में बोलेंगे यार वो तो 5 वोट से रह गया, अपने गाँव को 5 वोट से रह गया, दूसरा वाला 5 वोट से जीत गया। तो एक ही वोट की इम्पोर्टेंस होती है। सबसे बड़ा वोट आप इलेक्टर वोटर्स बनने से पहले आपको एनरोल करना पड़ता है, प्रोसेस होता है। चाहे जो भी मतदाता है 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है फर्स्ट जनवरी पर्टिकुलर ईयर्स में वो एलिजिबल होता है। कई बार तो इसको आजकल तो बड़े कैंपेन मोड में इलेक्शन कमीशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जितने बीए और बूथ है उनके थ्रू एक कैंपेन मोड हम ट्राई करते हैं कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। लोकतंत्र में अपनी